हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूडो क्या होता है और सूडो पावर हम लोग कैसे कोई यूजर को देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहली बात एक बार बता दूं आप लोग को, आप लोग जनरली मैं जानते हैं आप लोग रूट यूजर से जनरली कोई लॉग इन नहीं करता है, और बाय डिफॉल्ट उबंटू में जानते हैं तो रूट यूजर डिसेबल भी होता है और वहां पे हम लोग सूडो यूज करते हैं। तो ये मेन बात है क्या? तो रूट यूजर मेन बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजर है, उसके पास सारा पावर होता है। तो आप जनरली चाहते हैं कि रूट यूजर को सारा, मतलब कोई दूसरा यूजर मतलब दूसरा यूजर से लॉग इन करे, रूट यूजर से लॉग इन नहीं करे। तो उसके लिए हम लोग को, पर एक बात और है, अगर मान लीजिए आप दूसरा यूजर से लॉग इन करते हैं तो उसके पास सारा पावर होता नहीं है, सारा पावर तो रूट यूजर के पास होता है। पर अगर मान लीजिए ऐसा जरूरत पड़ जाए कुछ कि हमको चाहिए कि रूट यूजर का जरूरत है, कैसे हम लोग क्या करें, तो उस केस में इसीलिए हम लोग करते हैं कि हम लोग कोई दूसरा यूजर को मतलब पावर दे देते हैं रूट का। रूट का मतलब कोई लिमिटेड पावर देते हैं। जैसे मान लीजिए रूट तो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, रूट यम कमांड चला सकता है, मैं अभी रेड हैट की बात कर रहा हूँ, और उसी तरह ये शैडो फाइल है उस फाइल को रीड कर सकता है जो और कोई दूसरा यूजर नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं कि जैसे मैं अभी बात करूँ, जैसे हम लोग कोई दूसरा यूजर में स्विच करते हैं, ठीक है, एचकेएम टेक वर्ल्ड नाम का यूजर है एक मेरा, मैं उसमें स्विच करता हूँ। तो उस यूजर में अगर मान लीजिए मैं यम इंस्टॉल करूँ कुछ, जैसे मैं HTTP वेब सर्वर इंस्टॉल करूं, तो देखिए इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है दिस कमांड हैज टू बी रन अंडर रूट यूजर, मतलब ये रूट के अंदर रन करना है। और इसका आईडी भी देखिएगा, तो अभी आईडी इसका 1000 समथिंग है, मतलब 102 है, 1002 है सॉरी। और रूट यूजर का आईडी भी होता है हमारा 0। तो ऐसा चाहते हैं कि ये यूजर जो अभी एचकेएम टेक वर्ल्ड है, ये यम चला सके। पर एक CD/etc शैडो फाइल भी होता है, अगर इसको रीड करना चाहते हैं तो रीड, अभी रीड इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि मैंने एक वीडियो में इसको मतलब परमिशन दिया था। मैं एक काम करता हूँ, न्यू टैब खोलता हूँ, और बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं होता इस फाइल में, पर मैंने इनेबल किया था इसलिए आप रीड कर पा रहे थे। मैं इसको फिर नॉर्मल डिसेबल कर देता हूँ। अब डिसेबल हो गया, तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रहता है। अगर इसको आप रीड करना चाहते हैं तो आप रीड नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस यूजर के पास पावर हो कि सिर्फ ये फाइल रीड कर सके, पर यम कमांड की मदद से यम इसे इंस्टॉल नहीं कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस यूजर को कुछ पावर देना पड़ेगा, सूडो पावर देना पड़ेगा। वो कैसे देते हैं? तो एक फाइल होता है लिनक्स में /etc/sudo-es, ये फाइल होता है, इसी फाइल में सारा कुछ मेंशन होता है, सारा फाइल इसी, यही फाइल में सारा यूजर को मेंशन करते हैं कि आपको कौन सा पावर देना है। तो जैसे यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिए रूट के पास सारा पावर है यहाँ पे, और ऑल मतलब होता है सारा पावर, एक तरह से सारा कुछ कर सकता है रूट। उसी तरह इस फाइल में आके मैं करना चाहता हूँ एचकेएम टेक वर्ल्ड नाम का यूजर को, आप यहां पे क्या चाहते हैं, सारा पावर मिले। यहां पे आप चाहते हैं इसको मतलब फाइल मतलब पावर मिल जाए किसका, ETC फाइल, मतलब वो फाइल रन करने का शैडो फाइल, मतलब कैट कमांड की मदद से जो भी कुछ होगा सारा कुछ कर सके। तो यहां पे आपको या तो ऑल दीजिएगा तो सारा पावर मिल जाएगा, ऑल नहीं देना है तो यहाँ पे आप पार्टिकुलर कमांड का नाम दे सकते हैं, पर यहाँ कैट आप लिख नहीं सकते क्योंकि कैट कमांड हम लोग जानते हैं बैकएंड पे एक फाइल को लोड करता है। तो इस फाइल का नाम हमको वहां देना पड़ेगा, फाइल को मैं कॉपी करता हूं, ये सब मैंने बताया डिटेल वे में। तो यहाँ पे आप इस फाइल का नाम दे दीजिए। तो अब क्या फर्क करेगा, एचकेएम टेक यूजर के पास ये पावर आ जाएगा कि ये एचकेएम टेक यूजर इस फाइल को मतलब ये जो कोई भी फाइल होगा, कोई भी फाइल वो रन कर सकता है, जो फाइल रूट रन कर सकता है वो फाइल ये भी एचकेएम टेक वर्ल्ड भी दे रन कर सकता है। उस फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव हो गया। अब देखिए, अब जैसे इस यूजर में आए, इसके पास सारा पावर है, ये भी होम डायरेक्टरी में अपना, पर यहां पे अब रीड कीजिए /etc/shadow, ये अभी भी परमिशन डिनाइड दे रहा है क्योंकि इसको अब हमको रन करना पड़ेगा सूडो बोल के। जैसे आप अगर सूडो का मतलब होता है रूट पावर, मतलब रूट रूट के पावर से ये फाइल को रन करना है, तो रूट के पावर से इस फाइल को रन करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करेगा, तब ये फाइल को आप रन कर सकते हैं, पर पहली बार ये पासवर्ड मांगेगा। तो
और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर, थिंक बिफोर यू टाइप, विद द ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लिखा हुआ है। यहाँ पे पासवर्ड देगा, पासवर्ड आपको खुद का देना है, मतलब आप जो जो यूजर है, जैसे मैं एचकेएम टेक वर्ल्ड हूँ तो एचकेएम टेक यूजर का पासवर्ड देना है। ये एक बार मांगता है, अब नहीं मांगेगा, ये स्टार्टिंग में मांगता है। इसको भी हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अब आप कितनों बार ओपन कर सकते हैं, कोई भी क्रिटिकल फाइल हो उस फाइल को आप ओपन करके पूरा चीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप अगर सूडो पावर है तो। और देखिए सूडो पावर आपको ऐसे पता चल जाएगा, जैसे आप नॉर्मल अगर आईडी चलाइएगा तो आईडी मतलब ये चल आईडी किसके पावर से चल रहा है, एचकेएम टेक वर्ल्ड के पावर से चल रहा है। सूडो का सूडो देखिए, सूडो आईडी कीजिएगा तो ये देखिए आईडी मतलब यहाँ पे आईडी के पावर अभी नहीं है इसके पास, तो ये आईडी रन नहीं कर पा रहा। आईडी का भी पावर आपको देना पड़ेगा, हर एक चीज का पावर देना पड़ेगा आईडी का। जैसे हम लोग देख लें आईडी रन करता है तो कौन सा फाइल चलाता है, तो ये इसको कॉपी करता हूँ मैं और फिर से वीएम ईटीसी वो फाइल ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, कैट कमांड के साथ साथ आईडी कमांड को भी पेस्ट कर देते हैं, मतलब अब इसको आईडी कमांड का ही पावर मिल गया है। ठीक है, तो आईडी कमांड का पावर मिल गया। तो अब यहाँ देखिए आईडी चलाइएगा तो देखिए ये आईडी किसके पावर से चल रहा है, रूट के पावर से चल रहा है। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है, जब सूडो लिखते हैं सूडो का मतलब होता है ये आईडी को नॉर्मल पावर से नहीं चलाना है, ये पावर रूट के पावर से चलाना है। तो ऐसे ही आप लोग किसी यूजर का पावर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर बात करूँ पासवर्ड जो मांग रहा था, यहाँ पे देखिए नो पास डब्ल्यू डी लिखा हुआ, अगर ये लिख दीजिएगा तो पासवर्ड नहीं मांगेगा आपको पहली बार भी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये ऐसे लिख दीजिएगा तो ये आप क्या करेगा, ये पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा, जैसे पहली बार अभी मांगा था तो अब नहीं मांगेगा। और ये इसके बदले और लिख दीजिएगा तो एचकेएम टेक वर्ल्ड के पास पूरा पावर आ जाएगा, जो पावर रूट के है पूरा पावर इसको आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है सूडो पावर सेट। और एक बात और, जैसे आप कि यहाँ पे किसी यूजर को पावर दे रहे हैं, उसी तरह आप लोग सूडो पावर किसी ग्रुप को भी दे सकते हैं। ग्रुप का मतलब मैंने बताया, जैसे ग्रुप पे आप लोग चार पांच यूजर को रख सकते हैं, पांचों यूजर को अलग अलग पावर देने से अच्छा कोई ग्रुप को पावर दे दीजिए। जैसे एक एचकेएम करके मेरा ग्रुप बना हुआ है तो इसको पावर देना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ तो नॉर्मल सब वैसा ही होगा, यहाँ पे नॉर्मल सब वैसा ही होगा, यहाँ पे नो पास। पर ये जो लिनिक्स होगा वो समझेगा कैसे ये ग्रुप है कि यूजर है, इसीलिए ग्रुप के लिए यहाँ पे परसेंट होता है सिंबल। अगर परसेंट दे दीजिएगा तो उसका मतलब ये एचकेएम कोई ग्रुप है और ग्रुप को आप पावर देना चाहते हैं। इस ग्रुप में जो भी यूजर होगा उसके पास सारा पावर होगा रूट का। तो ये ऐसे ही हम लोग किसी ग्रुप को पावर देते हैं और ऐसे ही हम लोग किसी यूजर को पावर देते हैं। और आप लोग जैसे कि एक बात और बोलूं, मैं पहले से एक बार दिखा देता हूं मैं आप लोग को, चलिए कि एक काम कर रहा है कि नहीं ग्रुप वाला, तो उसको मैं सेव करता हूँ। और मैं आप लोग को अगर एच के एम यूज एक बात करूँ, जैसे एक मैं A1 नाम का एक यूजर था, वो एच के एम ग्रुप में था मेरा। ठीक है, तो अभी A1 में है हम लोग, A1, और इसका देखें ये कौन सा ग्रुप में है, तो ये देखिए ये एच के एम ग्रुप में है। तो इसके पास सारा पावर रूट का आ चुका है इसके पास, तो ये सूडो की मदद से क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जो रूट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस ग्रुप में जो यूजर था सब उसको पूरा पावर दे चुका हम रूट का। तो यहाँ पे आप लोग सूडो जैसे फाइल था हमारा क्या बोलते हैं ये आप लोग एक जानते हैं, हम रूट ही किसी फाइल का परमिशन चेंज कर, सॉरी कोई CHOWN कमांड होता है वो कमांड सिर्फ रूट ही चला सकता है, ये तो आप जानते ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए CHOWN कमांड, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पूरा क्लियर करूँ, एक हमारा फाइल है CHOWN कमांड से हम लोग किसी का ऑनरशिप कोई फाइल का चेंज करते हैं, जैसे जैसे कोई फाइल का ऑनर कोई है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे स्लैश चेक है हमारा, ठीक है, तो इसका हम लोग ऑनर बदलना चाहते हैं, इसका ऑनर पहले से जो चेक था उसको हम लोग A1 करना चाहते हैं। पर यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, ये परमिशन परमिटेड नहीं है क्योंकि CHOWN कमांड जो है सिर्फ रूट यूजर ही चला सकता है और कोई यूजर नहीं चला सकता है। पर यहाँ पे आप सूडो कीजिएगा तो सूडो मतलब रूट के पावर से चला रहा है ये। तो अब देखिए ये यहाँ पे ये चेंज हो गया, और अगर आप इसका आप देखिएगा इसका कौन अभी इसका मालिक है इस फोल्डर का, तो अभी जैसे आप मैं इसका दिखाऊं आप लोग को, तो अब देखिए इसका ऑनर बदल चुका है, A1 हो चुका है ऑनर, हम लोग क्यों इसका ऑनर बदल चुके हैं हम लोग। तो ऐसे ही आप लोग कोई ग्रुप को भी पावर दे सकते हैं। अभी मैं फिर से रूट में जाऊं और आप लोग को एक बात बता देता हूँ, ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर आप इसमें कुछ भी सिंटेक्स एरर कीजिएगा तो आप लोग
आपको बहुत बहुत ही खतरनाक हो सकता है, मतलब स्टक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दिखिए दीजिएगा, ऐसा सिंटेक्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वही सिंटेक्स आप लोग दीजिएगा, कुछ उल्टा सुलटा कीजिएगा तो आप लोग फंस भी सकते हैं एक तरह से, तो ये ध्यान रखिएगा एक बात। और एक बात और बता दूं लास्ट में, यहाँ जो ऑल है, ऑल का मतलब क्या होता है कि सारा यूजर, मतलब ये जो एचकेएम टेक वर्ल्ड है उसको सारा यूजर का पावर मिल गया, तो सारा यूजर में रूट भी है, इसलिए मैं वाला इसको रूट पावर बोल रहा था, पर यहाँ पे ऑल का सही मतलब है कि सारा यूजर को पावर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक चेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ऑल की जगह मैं लिख देता हूँ ए वन, मैं क्या लिख लेता हूँ ए वन, तो अब इसके पास क्या होगा, पावर होगा ए वन यूजर का, मतलब एच के एम टेक वर्ल्ड के पास पावर होगा ए वन यूजर का, अब इसके पास रूट का पावर नहीं होगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब मैं एच के एम टेक यूजर में अभी हूँ, अभी आप इसको चलाइएगा, जैसे अभी आप इसको चलाइएगा तो अब इसको आप नहीं चला सकते हैं। जैसे एक बार मैं पासवर्ड देता हूँ, पहले देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड देने के बाद क्या हुआ, ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये देखिए ये रूट यूजर चला सकता है। पर एक बात और है, अगर आप यहाँ पे नाम, जैसे यहाँ पे आप यूजर का नाम फिक्स कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल ऐसे ऐसे सीधा सूडो के मदद से नहीं चला सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किसके पावर से चलाना है, A1 के पावर से। तो A1 के पास ये पावर ही नहीं है ये फाइल को ओपन करना, पर A1 के पास ये पावर है कि वो अपने होम डायरेक्टरी को पढ़ सकता है। जैसे मैं बात करूं, अगर एचक्यूएम टेक वर्ल्ड में है, आप लोग जानते हैं A1 का होम डायरेक्टरी ये है, पर आप इसको इस फाइल में नहीं इंटर कर सकते, इस फोल्डर में। पर अगर आप इसको सूडो पावर से चलाइएगा, सूडो पावर से चलाइएगा A1, अभी आप इसके अंदर जा सकते हैं, यहाँ सूडो होगा इसके अंदर, अभी आप जा सकते हैं। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैंने वो नो पासवर्ड रूट नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ परमिशन डिनाइड नहीं आया, पर यहाँ पे कुछ आ गया कि ये रन नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास सीडी पावर नहीं है। हमने कैट पावर दिया, हमने सीडी पावर नहीं दिया है, तो हम लोग सीडी पावर देते हैं। अब जैसे हम लोग पहले पता करना पड़ेगा कि सीडी जब लोड होता है किस फाइल को चलाता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ये फाइल को, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम लोग एक ऐड कर देते हैं कि एच के एम टेक वर्ल्ड के पास कौन सा पावर हो, सीडी पावर भी हो, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे से मैं क्लियर करूँ और आप इसे चलाइए, तो इसके पास अब सीडी पावर है। आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा इस फाइल में क्या होता है पूरा डिटेल्ड वे में। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी ऑल कर देता हूँ। तो यही था पूरा सूडो पूरा, और मैंने पिछले वीडियो में यूजर ऐड और आप लोग को परमिशन कैसे फाइल फोल्डर पर देते हैं वो भी बताया, तो आप वो सब भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।